हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मेडिवल इंडिया, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट। तो लास्ट हमने सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम भक्ति मूवमेंट करेंगे और इसके साथ ही हम भक्ति साइंस के बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, राइट। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साउथ इंडिया से। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है साउथ इंडिया से। तो साउथ इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर सेंट थे जिनका नाम था अलवर। तो उन्होंने शुरुआत करी थी भक्ति मूवमेंट की। तो मेन इसका जो भक्ति मूवमेंट है, ये किस चीज़ पे जोर देता है? ये जोर देता है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विद गॉड। गॉड और एक इंडिविजुअल, दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको डिपिक्ट किया गया है भक्ति मूवमेंट के अंदर, राइट। तो इसकी शुरुआत साउथ इंडिया में हुई है। साउथ इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर सेंट पोएट थे अलवर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो जो अलवर थे, उन्होंने वैष्णविज्म की एक इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट किया गया है भक्ति मूवमेंट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें इन्होंने भक्ति मूवमेंट को डिपिक्ट किया है, और ये सारे के सारे जो सॉन्ग्स हैं, इन सॉन्ग्स को एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं? परबंदास। सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं? परबंदास बोला जाता है। अब भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 7th सेंचुरी के आसपास। 7th सेंचुरी के आसपास इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 10th सेंचुरी तक आते आते धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से रिवाइव होता है। दोबारा इसको रिवाइव कौन करते हैं? दोबारा इसको एज ए फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट इसको फिर से रिवाइव किया जाता है बाय द आचार्यास। आचार्यास क्या होते हैं? जो गुरु होते हैं उनको हम आचार्यास बोलते हैं। जैसे कि रामानुजा हो गए, तो रामानुजा आए, रामानुजा के बाद उन्हीं के एक डिसिपल थे, उनके एक चेले थे, शिष्य थे, कौन थे? रामानंदा। तो उन्होंने आगे इसको फिर नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड किया, किसको? भक्ति मूवमेंट को, राइट। तो आप देखो, साउथ इंडिया में भी भक्ति मूवमेंट चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में भी चल रहा है, राइट। तो साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट था, वो किसके डिवोटीज थे? शिव और विष्णु जी के डिवोटी थे। नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, वो राम एंड कृष्ण जी के डिवोटीज थे, राइट। अब जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी 7th सेंचुरी के आसपास हुई थी, कहाँ से? साउथ इंडिया से हुई थी। 10th सेंचुरी के आसपास आते आते ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से रिवाइव हुआ 12th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में शुरुआत होती है, 10th सेंचुरी में धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। 7th सेंचुरी में शुरुआत किसने करी थी? अलवर। किसने करी थी? अलवर ने, राइट। तो 10th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, 12th सेंचुरी में फिर से रिवाइव किया गया, किसको? भक्ति मूवमेंट को। अलग अलग आचार्य आए, उन्होंने इसको फिर से रिवाइव करा, राइट। तो जो भक्ति सेंट्स होते थे, यूजली ये लोअर कास्ट के होते थे। भक्ति सेंट जो थे, ये यूजली लोअर कास्ट से आते थे। तो अब ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, लोअर कास्ट से आते थे, कास्ट सिस्टम को ये नहीं मानते थे। और इवन के जो विमेन थी, विमेन को भी ये बोलते थे कि आकर भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन करो, आगे इसको जो है आगे स्प्रेड करो। जो विमेन है, विमेन को इनकरेज किया जाता था भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, और विमेन को आगे जो भक्ति मूवमेंट के बारे में बताया जाता था, वो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में बताया जाता था, राइट। और ये जो भक्ति मूवमेंट थी, इसमें गॉड को या तो ये फॉर्म में मानते थे कि किसी फॉर्म में है, जैसे कि भगवान के रूप में ये आया है, इंसान आया है, या किसी भी चीज को जैसे बोल देते हैं ना कि एक भगवान का रूप है, तो एक फॉर्म में भी इसको पूजा जाता था, भक्ति मूवमेंट को माना जाता था, और फॉर्मलेस में भी। अब कुछ हम सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसको एक फॉर्म में मानते थे, और कुछ सेंट थे जो इसको फॉर्मलेस मानते थे। जो फॉर्म में गॉड को माना जाता था, उसको बोलते थे सरगुना, और फॉर्मलेस जो थे वो थे निर्गुना, राइट। तो ये दो फॉर्म यहाँ पे गॉड की दे रखी है भक्ति मूवमेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस भक्ति सेंट्स की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रामानुजा का, राइट। 11th सेंचुरी AD के आसपास रामानुजा जो थे, उन्होंने जो भक्ति थी, भक्ति को इन्होंने किसके साथ रिलेट करा? वेदास के साथ। भक्ति
को वेदास के साथ इन्होंने असिमिलेट करने की कोशिश करी। क्योंकि अगर हम टीचिंग्स की बात करें तो भक्ति की टीचिंग्स भी सेम है, वेदास की टीचिंग्स भी सेम है, तो यहाँ पे इन्होंने दोनों को असिमिलेट करने की कोशिश करी। किन्होंने? रामानुजा ने। रामानुजा के अकॉर्डिंग अगर मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, साल्वेशन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, जन्म मरण से मुक्ति पाना, तो उसका क्या तरीका है? अगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए आपको कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो इन तीन चीजों से ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, राइट। और इन्होंने विशिष्ट अद्वैता का कॉन्सेप्ट भी दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? विशिष्ट अद्वैता का कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्होंने, रामानुजा ने। विशिष्ट अद्वैता क्या होता है? विशिष्ट अद्वैता का मतलब होता है कि आप ब्राह्मण को सुप्रीम मान रहे हो। विशिष्ट अद्वैता क्या है? जिसमें ब्राह्मण को सुप्रीम माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है ज्ञानदेव। जो ज्ञानदेव थे, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को महाराष्ट्र में लेकर गए। भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया। ज्ञानदेव के बाद आते हैं नामदेव। नामदेव जो थे, ये एक निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक मींस कि ये फॉर्मलेस गॉड को मानते थे। इनका मानना था कि जो गॉड है वो हर जगह प्रेजेंट है। तो इनके जो नामदेव जी के कुछ अभंगास है, अभंगास क्या होता है, इनकी कुछ राइटिंग्स है जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है, राइट। नामदेव जी के जो अभंगास है, जो इनकी राइटिंग्स है, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। और ये निर्गुण उपासक थे, मतलब फॉर्मलेस गॉड को मानते थे। नेक्स्ट है एकनाथ। एकनाथ का जन्म हुआ था पत्तन औरंगाबाद के अंदर, और इन्होंने जो गीता थी उसको मराठी में पब्लिश करा था। मराठी गीता जो थी, ये इन्होंने ही फर्स्ट टाइम पब्लिश करी थी, फर्स्ट रिसीवेबल एडिशन ऑफ जनेश्वरी, राइट। और ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे ज्यादातर। इसके जो इनके जो डिसिपल्स थे वो लोअर कास्ट के ही थे, तो ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, और इनके जो डिसिपल्स थे वो ज्यादातर लोअर कास्ट के थे। नेक्स्ट आते हैं तुकाराम। तुकाराम जो थे, ये शिवजी के कंटेम्परेरी थे। जब शिवजी का रूल था तो उस टाइम पे तुकाराम जो थे वो अपना भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड कर रहे थे। और ये एक ग्रेटेस्ट मराठी भक्ति पोएट थे। तुकाराम जो थे, ये मराठी भक्ति पोएट थे, और इनकी जो थिंकिंग है, जो व्यू पॉइंट थे, वो कबीर जी के साथ मिलते जुलते थे। विठल के डिवोटी थे। विठल क्या है? विठल जो है भगवान जो विष्णु है, विष्णु की ही एक फॉर्म है विठल, तो ये विठल के डिवोटी थे, राइट। नेक्स्ट आते हैं रामदास। रामदास जो थे, ये शिवजी के स्पिरिचुअल गुरु थे। रामदास शिवजी के स्पिरिचुअल गुरु थे। किसके स्पिरिचुअल गुरु थे? शिवजी के स्पिरिचुअल गुरु थे, राइट। तो इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे आश्रम्स अपने एस्टैब्लिश करे थे। किन्होंने? रामदास ने, राइट। रामदास के जो दोनों पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, एक तो ये शिवजी के स्पिरिचुअल गुरु थे, दूसरे इन्होंने पूरे इंडिया में अपने आश्रम्स बनाए थे। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका, कौन सा है? दस बोध। दस बोध, तो दस बोध क्या है? इनका एक डाइडेक्टिक वर्क है। डाइडेक्टिक वर्क का मतलब क्या होता है कि इसमें इन्होंने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स दिखाए हुए हैं, सारे एस्पेक्ट्स, राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, और उसके रिगार्डिंग एडवाइस दी हुई है। किसमें? दस बोध के अंदर, राइट। तो दस बोध किसकी है? रामदास की। नेक्स्ट आते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, ये इंडिया के अंदर सिखिज्म के फाउंडर है। 1469 में इनका बर्थ हुआ था, 1538 तक का इनका टाइम पीरियड है। तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, जो कि अभी ननकाना साहिब में है, तो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। खुद ये एक खत्री फैमिली को बिलोंग करते थे। बहुत सारे हाइम्स इन्होंने कंपोज करे, बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने कंपोज करे, और जो ये अपने हाइम्स गाते थे, सॉन्ग्स गाते थे, तो वो किस पे गाते थे? रबाब की हेल्प से। रबाब क्या है? रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो रबाब की हेल्प से ये अपने हाइम्स को या सॉन्ग्स को ये आगे गाते थे, राइट। तो इनका मेन जो इम्फेसिस था वो किस चीज़ पे था? वो था वन गॉड पे। ये क्या मानते थे? कि जो भगवान है वो एक ही है। ज़्यादा ये ऐसे भगवान की भक्ति में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे कि आप मूर्ति पूजा करो या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ, वहाँ पे जाकर भगवान की पूजा करो, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो भगवान है, आप अच्छे काम करो,
राइट, मिलजुल कर रहो, किसी के साथ धोखा नहीं करना, सबके साथ अच्छे बनकर रहो, मेहनत करो, कमाई करो, तो इन सब चीजों में ये बिलीव करते थे। बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना गुरु टाइप, उस टाइप के नहीं थे, बस ये इनका जो टीचिंग्स थी, इनकी टीचिंग्स क्या कहती थी, टीचिंग्स कहती थी कि आप मिलजुल कर रहो, अपना काम करो, मेहनत करो, राइट। तो बाय रिपीटिंग हिज नेम विद लव एंड डिवोशन वन कुड गेट सॉल्वेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट क्रीड सेट। किसी कास्ट क्रीड सेट इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, सारी कास्ट के लोग एक ही है। अलग अलग रिलीजियस सेट जो बने हुए हैं ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो गॉड जो है वो एक ही है इनके अकॉर्डिंग, राइट। तो ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेट्री, अंडरटेकिंग पिलग्रीमेज एंड अदर रिचुअलिस्टिक कंडक्ट्स। जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के ये अगेंस्ट थे। मूर्ति पूजा करना, कि हम एक अपना ही भगवान बनाकर बैठे हुए हैं, अपना हमने एक रिलीजियस प्लेस बना ली है, वहाँ से हम अपने हिसाब से रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ये अगेंस्ट थे। तो इनकी टीचिंग्स से धीरे धीरे सिखिज्म की शुरुआत होती है। तो ये लंगर प्रथा में बिलीव करते थे, गुरु का लंगर, जिसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी किचन, के एक ही लाइन में बैठकर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लोअर हायर कास्ट का कुछ नहीं है, तो एक ही जगह पे कम्युनिटी किचन, लंगर, गुरु का लंगर, मतलब एक ही लाइन में बैठकर सब एक जैसा खाना खा रहे हैं बिना किसी कास्ट सिस्टम के। फॉर्मलेस गॉड जो है उसको इन्होंने एक नाम दिया अकाल पुरुष का। जो फॉर्मलेस गॉड है उसको क्या नाम दिया इन्होंने, अकाल पुरुष का। इनकी जो टीचिंग्स है, गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स है, इनको आदि ग्रंथ में कंपाइल किया गया है, राइट। नेक्स्ट आते हैं वल्लभचार्य। वल्लभचार्य जो थे ये इम्फेसाइज करते थे वर्शिप ऑफ कृष्ण, ये कृष्ण भगवान के डिवोटी थे, तो उनकी पूजा करने में विश्वास रखते थे। और इनका क्या मानना था कि जो कृष्ण भगवान है ये भगवान का ही एक अवतार है, राइट। तो कृष्ण देव राया, जो कृष्ण देव है विजयनगर एम्पायर के, उनकी कोर्ट में भी ये रह चुके हैं जो वल्लभचार्य थे। तो इनकी जो टीचिंग्स है, इनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ये क्या बताते हैं कि जो आत्मा एंड परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो यू कैन गेट द सॉल्वेशन, राइट। भक्ति कर रहे हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, उसका परमात्मा के साथ मेल हो जाएगा। तो इन्होंने एक सेट की शुरुआत करी थी, कौन सा सेट है, पुष्टि सेट। पुष्टि सेट किसने फाउंड करा है, वल्लभचार्य ने, राइट। नेक्स्ट आते हैं रामनंद। रामनंद 15th century में ये एक्टिव थे, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी थी। रामनंद ने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से करी थी, नॉर्थ इंडिया से करी थी। कास्ट रूल्स को ये नहीं मानते थे, इनके जो भी डिसिपल्स थे वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हायर कास्ट के होंगे या लोअर कास्ट के होंगे, तो कास्ट रूल्स को ये नहीं मानते थे। रामानुजा की जो टीचिंग्स हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, उनको फॉलो भी करते थे। तो इनके अगर हम डिसिप्लिन्स की बात करें, इनके जो स्टूडेंट्स थे उनमें रायदास जो थे वो एक कॉबलर थे, मोची थे, कबीर एक वेवर थे, वीविंग का जो काम करते हैं, धना ये एक फार्मर थे, सेना एक बार्बर थे जो कटिंग करते हैं, बाल काटते हैं, पीपा ये एक राजपूत थे। तो इनके जो डिसिपल्स थे वो अलग अलग ऑक्यूपेशन के थे, अलग अलग कास्ट के थे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबीर जी की। कबीर जी ये कौन सी कास्ट से थे, ये एक वेवर थे। तो ये कौन से भक्ति ट्रेडिशन को मानते थे, निर्गुण फॉर्मलेस गॉड को ये मानते थे। इनके जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है, इनके फॉलोअर्स को बोलते हैं कबीर पंथीस। जो फॉलोअर्स है कबीर जी के उनको बोलते हैं कबीर पंथीस। इनकी जो टीचिंग्स है वो किसमें लिखी हुई है, दोहास में। दोहास को हम स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं, बुक्स में, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तो इवन के आज की डेट में भी जो दोहे हैं वो गाए जाते हैं, राइट। तो इनकी टीचिंग्स किसमें है, दोहास में है। एक भक्ति पोएट थे कबीर जी। ये कबीर जी ऐसा नहीं है कि भक्ति पोएट ही थे, ये सिर्फ भगवान की बातें कर रहे हैं, भक्ति की बातें ही कर रहे हैं, ये भक्ति पोएट के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोसाइटी में चेंजेस लाने की ये
बात करते थे। भक्ति पोएट ना होकर ये एक सोशल रिफॉर्मर ज्यादा थे, सोसाइटी में चेंज की ये ज्यादा बातें करते थे। एक आम भाषा में ये लोगों को अपना मैसेज देते थे। ऐसे नहीं है कि अपने ही भगवान की ही बातें करे जा रहे हैं, सोसाइटी के बारे में भी ये बात करते थे, सोसाइटी को चेंज करने की बात करते थे। इवन के ये बोलते थे कि जो हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी है रिलीजन, चाहे ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड है या इस्लाम से रिलेटेड है, तो जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, उनको सिंपल रखो। सिंपल होनी चाहिए आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, राइट? क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, तो आपने अपने रिलीजन्स बनाए हुए हैं, तो उन रिलीजन्स को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। एक सिंपल प्रैक्टिस से आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? तो भक्ति मार्ग के बारे में ये बात करते थे और फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड को ये मानते थे। नेक्स्ट आते हैं चैतन्या। चैतन्या जी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था। और ये जो बंगाल का मॉडर्न वैष्णव सेट है ना, उसके फाउंडर है ये। बंगाल के अंदर जो मॉडर्न वैष्णव सेट चल रहा है, आज की डेट में जो वैष्णव सेट चल रहा है, तो उसके फाउंडर थे ये चैतन्या जी, राइट? जब बंगाल के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन शाह थे और ओडिशा के अंदर गजपति रूलर थे, तो उस टाइम पे ये अपनी टीचिंग्स को प्रीच करते थे, राइट? भक्ति मूवमेंट को वहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे। तो लास्ट पुरी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। चैतन्या जी ने भक्ति मूवमेंट को वेस्ट बंगाल और ओडिशा वाले एरिया में जो था स्प्रेड करा था। इनकी एक बायोग्राफी भी है। चैतन्या जी की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? चैतन्या चरितमाल। चैतन्या चरितमाला इनकी बायोग्राफी का नाम है, राइट? तो ये है इनकी बायोग्राफी। और इनकी जो फिलॉसफी है, चैतन्या जी की जो फिलॉसफी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अचित्य अभेद अवेद। अचित्य अभेद अवेद, ये क्या है? इनकी एक फिलॉसफी है। अचित्य अभेद अवेद का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें देखने में वो एक होती है, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, वो अलग अलग हो जाता है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सन की, तो जो सनलाइट हमारे तक पहुंचती है, एक सन बीम, एक सूर्य की किरण जो हमारे तक पहुंचती है, वो क्या है? वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वहीं अगर हम, अब वो जो सन बीम है वो किसका पार्ट है? सन का ही तो पार्ट है ना। लेकिन वहीं अगर हम सन के पास चले जाएं, तो वो उतना सुकून देगा जो जितना सुकून हमें सन बीम से मिलता है? तो सन बीम ऑल्दो सन का ही पार्ट है, लेकिन दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग हो जाता है। भेद अवेद, सेम होते हुए भी दोनों चीजें अलग अलग है। सनबीम और सन दोनों अलग अलग है, दोनों चीजें, राइट? तो ये इनकी एक फिलॉसफी थी, फिलॉसफिकल बातें करते थे ये। और इनके जो डिसिपल्स है वो खुद को क्या मानते थे? कृष्ण भगवान के अवतार मानते थे। नेक्स्ट आते हैं सूरदास। सूरदास जो थे ये वल्लभचार्य के डिसिपल थे। सूरदास किसके डिसिपल थे? वल्लभचार्य के डिसिपल थे और लॉर्ड कृष्ण एंड राधा जी के डिवोटी थे, राइट? लॉर्ड कृष्ण एंड राधा जी के ये डिवोटी थे। और इनकी कुछ राइटिंग्स भी है, सरगुना स्कूल से रिलेटेड है ये राइटिंग्स। कौन कौन सी है? सुर सुरावली साहित्य रत्ना एंड सुर सागर। सुर सुरावली साहित्य रत्ना एंड सुर सागर, ये इनकी कुछ राइटिंग्स है सूरदास जी की। नेक्स्ट आते हैं दद्दूदयाल। दद्दूदयाल ये निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन को मानते हैं, निर्गुण फॉर्मलेस गॉड को। और इन्होंने कुछ अपने एक तरह से संप्रदाय जो होती है उसको फाउंड करा था। कौन कौन से? ब्रह्म संप्रदाय एंड पार ब्रह्म संप्रदाय, इसके फाउंडर है कौन? दद्दूदयाल जी। और ये किस चीज पे ज्यादातर फोकस करते थे? ह्यूमैनिटी पे। इन्होंने ह्यूमैनिटी को आगे सुपीरियर रखा था, राइट? ह्यूमैनिटी के बारे में ये आगे अपनी जो टीचिंग्स वगैरह है जो बताते थे, ह्यूमैनिटी के बारे में ही ज्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट आते हैं निम्बर्काचार्य। निम्बर्काचार्य ये किसके वर्शिपर थे? ये लॉर्ड कृष्ण एंड राधा जी के वर्शिपर थे और रामानुजा के कंटेम्प्रेरी थे। रामानुजा जिस टाइम पे थे उसी टाइम पे ये थे। नेक्स्ट आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो थे इनके अकॉर्डिंग ट्रांसमाइग्रेशन के लिए, आपको नॉलेज एंड डिवोशन की ज़रूरत है। नॉलेज एंड डिवोशन। ट्रांसमाइग्रेशन क्या होती है? ट्रांसमाइग्रेशन एक तरह का आप यही बोल सकते हो कि मोक्ष, साल्वेशन। अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो उसके लिए
नॉलेज और डिवोशन के रास्ते पे चलना होगा, तभी आप जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हो। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो जो सोल है वो दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाती है। सोल कभी ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है। तो सोल क्या है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाती है जब एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति पानी है तो उसके लिए कौन से रास्ते पे चलना होगा, नॉलेज एंड डिवोशन के रास्ते में। तो इनके एक सक्सेसर थे जय तीर्थ इनके सक्सेसर थे माधवचार्य के। नेक्स्ट आती है मीराबाई। मीराबाई जो थी ये मेवात के एक राठौर प्रिंसेस थी, मेवात की मीराबाई। तो बाद में इनकी शादी हो जाती है, भोजराज थे और ये बन जाती है मेवात के जो राणा संगा थे उनकी डॉटर इन लॉ। कौन? मीराबाई, राइट। तो ये कृष्ण कल्ट को बिलोंग करती है, जो वैष्णविज्म का कृष्ण कल्ट है उसको ये बिलोंग करती थी। कौन? मीराबाई, उसकी ये डिवोटी थी। नेक्स्ट आती है तुलसीदास। मीराबाई के बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो थे इनका जन्म होता है ब्राह्मण फैमिली के अंदर, कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। और अगेन ये किसको बिलोंग करते थे? वैष्णविज्म के जो राम भक्ति कल्ट है उसको ये बिलोंग करते थे। और इनकी कुछ राइटिंग्स है जैसे कि रामचरितमानस, किसकी राइटिंग है? तुलसीदास की है। गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, विनय पत्रिका, ये इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स है तुलसीदास जी की। इनके बाद आती है विद्यापति। ये विद्यापति जो थे ये एक मैथिली सेंट पोएट थे। इनकी एक फेमस राइटिंग है, नाम क्या है? पदवली। फेमस राइटिंग है पदवली। पदवली के अंदर क्या इन्होंने बताया हुआ है, इसमें जो राधा एंड कृष्ण जी की लव स्टोरी है उसको डिपिक्ट करा हुआ है। राधा एंड कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज को इन्होंने यहाँ पे जो है कंपाइल करा हुआ है पदवली के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ लव बैलेट्स ऑन राधा एंड कृष्णा, राधा एंड कृष्णा की बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा कीर्तिलता कीर्तिपटका, ये भी इन्हीं की ही राइटिंग है। इनके बाद नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता ये गुजरात के सेंट थे, तो इन्होंने गुजराती में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे भी है। और ये जो सॉन्ग्स लिखते थे इसमें भी ये कृष्ण और राधा जी की जो लव स्टोरीज है वही लिखते थे, सॉन्ग्स के अंदर वही डिपिक्ट करी हुई है। और महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही फेमस भजन है वैष्णव जन को, तो ये इसके ऑथर भी नरसिंह मेहता ही है। नेक्स्ट है पुरंदर दास। पुरंदर दास ये वैष्णव सेंट थे और ये जो कर्नाटिक म्यूजिक है, कर्नाटिक म्यूजिक के फाउंडर भी है। पुरंदर दास कर्नाटिक म्यूजिक के फाउंडर भी है और वैष्णव सेंट थे। इनके बाद आते हैं शंकर देव। शंकर देव ये असम के वैष्णव सेंट है। कहाँ से? असम से। लास्ट में आते हैं त्यागराज। त्यागराज जो है ये तेलुगु सेंट थे और कर्नाटिक म्यूजिक के ग्रेटेस्ट कंपोजर भी रह चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you like this video. Thank you. Bye-bye and have a nice day.